गया जी, मेरा दिल और मैं और ये दुनिया के लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं? तो आप तैयार हैं अलका जी? धन्यवाद। तो लीजिए। हाय गाइस, दोस्तों आज मैं फिरकी से आपके बीच में पहुंचा हूं बुंदेली बेस्ट फन को लेकर। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की मोहब्बत हमें बहुत मिल रही है और इसी तरह आप लोग हमें अपना प्यार देते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहिएगा। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा आपको कि अच्छी से अच्छी चीजें आपके बीच में रखूं, आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूं। इसलिए दोस्तों बुंदेली बेस्ट फन आज फिरकी से मैं आपके बीच में कुछ नया लेकर आ रहा हूं। कोशिश करूंगा कि आप लोग को कुछ नया दिया जाए। तो लेके चले आपके लिए बुंदेली बेस्ट फन में। तो साथियों, कई प्रकार के लोग होते हैं, कई लोग होते हैं। अब देखे, मैं आपको बता दूं, अभी एक कार्यक्रम चल रहा था, मैंने उस कार्यक्रम को देखा तो मैंने कोशिश की कि उसकी तरह मैं भी थोड़ा सा करके दिखाऊं, शायद लोगों को पसंद आए। और लोगों की पसंद की बात है इसीलिए लोगों के लिए नया नया मसाला देता हूं। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपके लिए, एक कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सामने अलका जी बैठी हैं, उनके लिए एक हमारे बीच में हमारी अलका जी बैठी हैं और सभी चीफ गेस्ट बैठे हैं और सभी हमारे ऑडियंस भी बैठे हुए हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि आपके बीच में एक बार फिर किस आया हूं यही बताने के लिए। साथियों देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अमिताभ जी बोले अलका जी से। देखिए अलका जी, आप जानते हैं कि अच्छा उस समय की बात कुछ और थी और इस समय की बात कुछ और है, और आज जो है आप हमारे सामने बैठे हैं रो बड़ी आज। तो अलका जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, उस टाइम में आप जो आपका लोग कहते हैं कि आपके सब जितने भी लोग दुनिया में है वो आपके दीवाने थे, और दीवाने क्यों ना हो, लोग घुसने के तो दीवाने होते ही है। अलका जी बताइए की बात कहूंगा मैं और क्या कहूं, हमारे बीच में सभी लोग विराजमान है, बारी बारी आपके बीच में जरूर आएंगे। तो आपका ये शो जो है वो बहुत ही लकी है और अच्छा है। मैंने भी एक शो शुरू किया था कि कौन बनेगा करोड़पति, आए लेकिन देखिए करोड़पति तो सब बनना चाहते भाई साहब, आए आपसे भी कह रहा हूं भैया, आए सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन ये जो है बात है अपने किस्मत का ताला खोल के और यहाँ चाबी लगाई और लेके जाइए, हाँ जो आपको चाहिए वो लेके जाइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जो है हमने बहुत चालू किया। जैसे वहां से चले तो हमारे बीच में आपके जाने पहचाने राजकुमार जी बैठे हुए, तो राजकुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ इस शो के बारे में कहें। अब ये कसम खाएंगे तो कैसे खाएं यार, रघु अलका जी हम अपने समय में तो उस समय में और इस समय में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम भी जिस मुकाम पर हैं और आज जी जिस मुकाम पर आप भी हैं, और शायद आप ही आंटी उस समय में कितने सारे एक्टर थे, कितने सारे हीरो थे जो आपके साथ में फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, और हमारे एक और जानी पहचाने आपके जगदीश जी हैं जो आपके बीच में बैठे हैं। तो आप जानते हैं जगदीश जी, आप भी कुछ कहे। अरे अलका जी, अरे है हमारे घर में बिछा है पलका, अरे क्या बताऊं अलका, कुछ नहीं हो रहा है अलका, कमाल हो गया, अरे है धोती फाड़ के रुमाल हो गया। क्या बताएं, सब दुनिया जानती है आपका शो, अरे महाशो है, अरे पूरी दुनिया पागल है, अरे आपका शो देखकर आए है, अरे गदगद हो रहा है। तो देखिए आपने देखा आपके बीच में, तो हमारे बगल में
आपके अपने जाने पहचाने एक और भाई सबसे जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आपके बीच में आए। हाँ देखिए बुरा मत मानिएगा, आप तो हमारे बहन समान भी है, हमारे दीदी समान भी है, और कई लोग ऐसे हैं इसमें कलाकार जिनकी तो आप खास दोस्त भी हैं, तो फिर ले चलते हैं आपको और एक कलाकार की तरफ। तो वो देखिए आपके बीच में, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, ये मत कहिएगा कौन बनेगा करोड़पति, मैं करोड़पति नहीं हूं भाई का तो आपके बीच में भाई जानी लीवर जी है, तो जानी लीवर जी आप कुछ कहेंगे? हाँ तो ये हमारे भाई आप जानते हैं आपके बीच में थे, तो अब मैं ले चलता हूँ आपके लिए एक और नई हीरो हमारे बगल बैठे शक्तिमान जी। आप बता सकते हैं मुकेश खन्ना जी, आप लोग जानते हो, कई लोगों ने नाटक देखा होगा। मुकेश खन्ना जी आप कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, जो कुछ कहना था तो इन लोगों ने कह दिया, मुझे तो सिर्फ सुनना सुनना होता है। मैंने महाभारत में काम किया तो वहां भी सुनता था, कभी अर्जुन की कभी युधिष्ठिर की कभी मैं सबकी बातें सुनता था, और हमारे कहने आचार्य जी जो हमारे गुरु है उनकी भी बात सुनता था, और जब शक्तिमान मैंने शुरू किया तो तब भी मैं सुनता था गांव के लोगों की उनकी बातों पर, बाई लोगों की, उनकी माताओं के दादा दादी की, वो मुझे लोग कहते थे कि ये शक्तिमान ही है जो ऐसे नाटक करके बच्चों को पागल कर रहा है, इसलिए मैंने अब ये कार्य शुरू किया। हाँ तो देखा आप ये शक्तिमान जी थे, आप सब जानते हैं। अब मैं देख के चलता हूँ तो आपको लेके चलता हूँ, देखिए अलका जी बुरा मत मानिए, एक और बहुत सारी शख्सियत है, आप फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है और आप लोग को बच्चा बच्चा जानता है। हमारे गांव में जब आपका शो शुरू होता है तो वो सब लोग देखते हैं, हाँ बच्चा बच्चा, हाँ वो बच्चा नहीं, वो बच्चा भी जब आता है तो उसको पहले ही बताया जाता है कि हमारी जो अलका जी है उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और वो कार्यक्रम जरूर देखते हैं और हमारी फैमिली के साथ में जो है चलो बैठ के देखते हैं। हाँ तो देखिए आएंगे तो फिर एक नए कलाकार के साथ क्रिकेट लेके चलते हैं। हाँ देखिए अलका जी थोड़ा, और हमारे जो चीफ गेस्ट बैठे उनसे भी निवेदन हमारा, ये दोनों ही देखें, शत्रु जी बैठे हैं, शत्रु जी आप कुछ कहेंगे? अरे खामोश, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं अलका जी कि मैंने दुनिया के सामने सिर्फ फिल्म में काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी भी स्थिति क्या थी, फिल्म लहर में जो भी आया उसकी स्थिति कमजोर थी, लेकिन आपके साथ जुड़कर आपको मालूम है अलका जी आप है बहुत पहले से जानती है, इसलिए मैं भी आपके साथ मंच पर काम करूंगा, आपके साथ मिलकर काम, क्योंकि मुझे जरूरत है ऐसे हुनर व्यक्तियों की जो हमारे वजनदार है, हमारे देश के कुछ गौरव है, और वो आप है अलका जी, हम चाहते हैं कि हमारे साथ हम आपके साथ काम करें। हाय देखिए भाई साहब, तो ये शत्रु जी थे, आपने देखा इनको, थोड़ी देर के लिए चलते हैं भाई, हमारे सुनील शेट्टी जी हमारे बीच में बैठा है, तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब थोड़ी आप आए, आए थोड़ी आए, अरे आ जाए थोड़ा आए, तो ये देखिए शक्ति भाई साहब शक्ति आई आइए, हाँ हाँ आप भी बोलिए, तो हमारे बीच में फिर पीछे आ गया। ओए कौन साला बताए बाहर भी गया अलका जी, तो ये दिलदार कहेगा सिर्फ तुम्हारे लिए है, आपको मालूम है पहले आस्था कुछ मांगा, लेकिन आज आज मांगता हूं कि ऐसे दिलवाए तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए वो पहली बार देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि तू सपना से बहुत प्यार करता है। नहीं तो कैसे कहते भाई साहब आपने, मैं तो जो है बताइए थोड़ा बताइए, मैं तो सिर्फ अलका से प्यार करता हूं। तो देखिए भाई साहब ये हमारे आपके बीच में आए थे जो अभी सुनील शेट्टी जी थे,
अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और नए कलाकार की तरफ। हमारे सामने भाई मिथुन चक्रवर्ती जी बैठे हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे मालूम है, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे कई कलाकार और कई हमारी फिल्म की जान जो आई यहाँ पहुंची आई, इसलिए मैं भी यहाँ पे पहुंचा हूँ। और हमारी अलका दीदी, अरे हमारे क्या सबके दीदी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ लजी से कि हमारे बीच में आपने देखा तो चक्रवर्ती दी थे। अब मैं आपको एक और नए कलाकार की तरफ लेके चलूंगा। तो अमिताभ जी कुछ कहें? हाँ देखे अलका जी, आप बुरा मत मानिएगा, वो क्या है कि दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं और ये तो भगवान की लीला है, हाँ? इसलिए तो आसमान नीला है, हाँ? भगवान की लीला है, आसमान नीला है। और जब से यहां हमारे हाथ पानी गिरा है, जब से गीला ही गीला है। मुरम्मत मानिएगा अलका जी। तो फिर अपने चलते हैं आपके लिए अगले कलाकार की तरफ। तो हमारे अगले कलाकार कौन होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे आखिर कौन होंगे ऐसे? तो देखे मेरे दोस्तों, अगले कलाकार के लिए आपके बीच में असरारी जी। मुझे मालूम है, देखा ये छोटे से कलाकार थे, इनकी मिमिक्री भी कोई मामूली चीज नहीं। इनकी बड़ी बड़ी कलाकारों की आवाज करना मैं भी नहीं समझ पाता कभी, क्योंकि आखिर कैसे करते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं करने में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आप लोग समझते हैं कि एक गले से बोलना, ये जितने भी कलाकार हैं वो लोग जानते हैं उन पे कैसी बीतती है। और वही आपके तो देखिए भाई साहब, फिर पीछे ले चलते हैं आपके लिए। ये हमारे बीच में जो आप देख रहे थे कि थोड़े से आए थे, अब मैं केस्ट मुखर्जी को बुलाऊंगा कि केस्ट मुखर्जी आप कुछ कहेंगे? अरे खून, अरे शिक्षा, अरे पता मंदिर का, अरे मिलकर खिलाड़ी में ही, अरे भगवान, अरे बहुत ऊंची ऊंची चीज है। हाँ, तो आपने देखा ये हमारे केस्ट मुखर्जी जी थे, आपने जो देखा यहाँ पर हमारे केस्ट मुखर्जी थे। अब मैं लेके चलता हूँ सीधे आपके लिए हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार जो हमारे साथ में रहे। आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ? दद्दू हमारे ओम प्रकाश जी। तो ओम प्रकाश जी आप आइए हमारे बीच में, हमारे लोगों के लिए कुछ कहेंगे? अरे मैं क्या कहूँ, कान झूल के सुन लो बेटे, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला है। हमारे सामने अलका बेटे, वो तो हमारी बेटी समान है, लेकिन कान खोल कर सुन लो। अब तुम्हें मालूम है कि अलका जी आपका कार्यक्रम पूरी दुनिया देखती है, यहाँ तक कि जिस गांव में टीवी नहीं थी, अरे जिस गांव में कोई भी छत भी नहीं थी, कोई ना डिश थी, उसके बाद जैसे ही पहुंचे तो आपका ही कार्यक्रम शुरू हो गया है। जहाँ देखो वही कार्यक्रम चालू हो गया है। आज मत कहिए, मैं भी आपका कार्यक्रम देखता हूँ। देखो मेरे साथियों, तो ये आपके बीच में जो थे, समझ गए? हाँ, ओम प्रकाश जी थे, हाँ, समझ गए। आप लोग काफी समझदार हैं। और तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको फिर एहसान कुरैशी जी की तरफ। एहसान कुरैशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे मैं कैसे बताऊं, ये तो बताओ कि मैं कैसे बताऊंगा। सबसे पहले अलका जी के प्रोग्राम में जाऊंगा, सबसे पहले अलका जी के प्रोग्राम में जाऊंगा। कोई समझे या ना समझे मैं सबको बताऊंगा, कोई समझे या ना समझे मैं सबको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो जो सबसे पहले सरप्राइज करेगा और मेरा घंटा दबा उसी को मिठाई खिलाऊंगा। भूल मत जाना, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ मैं। कैसे बताऊंगा दुनिया को, सबसे पहले एक ही बात समझाऊंगा कि भैया लात चुनी हमारी आइए, आप भी आइए, सब लोग आइए, अरे सब लोग आइए और अलका जी का कार्यक्रम को परोस के खाइए। परोसने का मतलब समाज का ही होंगे, सबको देखना है, घर घर जाके बस यही कहना है कि कार्यक्रम अलका जी का है, इसे हमको आगे ले जाना। तो देखिए साथियों, ये हमारे सामने एहसान कुरैशी जी थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ आपके अपने जाने पहचाने एक और कलाकार भाई, भाई प्राण, आपने देखा होगा प्राण जी। तो हमारे बीच प्राण जी, मेरे प्राण जी आपसे भी निवेदन है कि
आप सब लोग बैठे हुए हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ प्रणाम जी की आप आए और थोड़ा सा हमारे कलाकार के सामने हमारी जो कार्यक्रम जो चल रहा है यहाँ पर अलका जी का कार्यक्रम है और इनका कार्यक्रम जो है बड़ा लाजवाब है, तो मैं एक शेर जरूर बोलूंगा कि हमने तो कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। हाँ अलका जी आपके लिए और ये जितने भी लोग बैठे तो नजर करता हूँ कि हमने तो कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा और आपके बाद अलका जी मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। ये अलग बात है कि आपको देख लेना तो लाजिम था, इसलिए तो आज तक आपने जो है घड़ी की तरफ नहीं देखा। आइए अब आपके बीच में आ रहे हैं प्राण जी। प्राण जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ कहें। मैं जानता हूं साईं, मैं जानता हूं साईं, तुम नहीं जानते कि आखिर तुमने बात कैसे की है। जो बात तुमने रखी है वो तुम्हारी नहीं है, वो मेरी ही बात है। लेकिन आज मैं कह देना चाहता हूं साईं, शायद तुम भूल गए, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि आखिर लोग कैसे दिलों में रखते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग दिन रात कर कर मजदूरी मेहनत कर कर जमीन का सीना चीर कर अन्न उगाते हैं। ये वही किसान हैं जो हमें और आपको रोटी देते हैं। अगर ये खेतों में काम नहीं करेंगे तो याद रखना। देखिए प्राणजी थे आपने देखा, अब मैं लेके चलता हूँ आपको डैनी की तरफ। डैनी जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी आपने सलम सलम बेबाफा फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। तो हमारे डैनी जी, तो डैनी जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ कहेंगे। डैनी जी आपके बीच में। मैं जानता हूं फतेह खान, कान खोल कर सुनो, मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेरा बेटा सलमान तुम्हारी बेटे से निकाह करना चाहता है। रस्म जो भी है मैं अदा करूंगा। याद रखो, जो चीज हमें पसंद आ जाए मैं उसे छीन लेता हूं, मुझे रोक नहीं सकती, मैं जब चाहूंगा उसे छीन लूंगा। देखा आपने, तो हमारे बीच में डैनी जी थे, आप लोग समझ सकते हैं ये डैनी जी थे। अब आप लोगों ने, बच्चे लोग बहुत कार्यक्रम देखते हैं, तो अलका जी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये बच्चे लोग भी कुछ कार्यक्रम देखते हैं। जैसे आजकल के क्या है कि पतलू मोटू ज्यादा चलता है, और हमारे बच्चे हमारे गांव में देखते हैं तो ये देखिए, और बब्लू डब्लू एक कार्यक्रम चलता है वो भी देखते हैं, बालू वाला, वो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम। तो देखिए कुछ नहीं कहूँ, जो भी हमारे पास मैं आपके बीच में, तो हमारे बीच में हमारे शाहबुद्दीन जी बैठे हैं, मैं उनसे विनवित करूंगा वो भी आपके बीच में थोड़ा सा बोलकर दिखाएं वो हमारे पतलू मोटू। तो आइए वही पे पतलू जी बैठे हुए हैं। पतलू जी आप कुछ कहेंगे? एक काम करो, अरे मैं संभालता हूँ, अरे मोटू कुछ सोचो नहीं तो दिमाग चला जाएगा। मुझे नहीं था दिमाग की बत्ती नहीं चलेगी, कौन हाँ। तो ये हमारे आपने देखा पद्दू मोती थे, और हमारे बीच में हमारे बबलू और डब्लू बैठे हैं। तो बबलू और डब्लू, तो मैं कहूंगा डब्लू जी से कि वो भी आए हमारे बीच में। वही बबलू तुम ले जाते, ऐसा मत करो, लक्का तो तुम्हारा खास है, रहने दो, हम उसे बाद में देखें। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, पूरी सेहत काली उतरे, पूरा पैर काट दे भाई, जंगल को नहीं काटना चाहेंगे भाई। मैं तो क्या करो बबलू, ऐसा मत करो बबलू, रहने दो, हम बाद में देखें। अरे भाई मैं तो नहीं चलूंगा, आज मैं तो काम से बात करके चलूंगा भाई, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बबलू डब्लू थे, आपने देखा था दोस्तों, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताऊंगा और आपको लेके चलूंगा। तो भाई अजय देवगन जी हमारे बीच में बैठे, तो अजय देवगन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा तो देखिए अजय देवगन जी बोल रहे हैं, बाप जाओ कब है, बाप जाओ कब है, मामा ठाकुर ये डंडा संभाल के रखिए, किसी डंडा लेने काम आएगा, अपने प्यार में ऐलान करता हूं, बाप जाओ कब है। जी हमारे आप समझ गए, तो देखिए अलका जी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पता नहीं समय की बात है, दिमाग की बात है, कितने सारे लोग दिमाग खेलते रहे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि अब मैं चलता हूं,
अरे अलका जी, आपको कुछ समझ मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे लिए अपने गांव में बकरी ढूंढ रखी है, ताकि हमारे गांव की बकरियां अच्छा दूध देती हैं। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं जो कह रहा हूं वो सच होगा। मैं तो बस यही कहूंगा कि रॉन्ग डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, सुरक्षा आपको अगली बार फिर मिलेंगे। तो बुंदेली बेस्ट फन आपके बीच में मैंने दोस्तों रखा हुआ है। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो अगली बार में हम आपको जरूर लेकर आएंगे। देखिए, इस बार मैंने सोचा है कि एक बार सब कलाकारों को एक साथ किया जाए। कुछ कलाकार हैं जो अपने खेतों में काम करने चले गए हमारे, कुछ कलाकार हैं जो फिल्मों में काम करने चले गए, कुछ लोग इधर उधर चले गए, कोई रिश्तेदारी में, कोई शादी में इधर उधर चले गए। बुरा मत मानिएगा, वो सब लोग आ जाएंगे। जैसे ही वो लोग आएंगे तो उनको भी हम इन्वाइट कर लेंगे। तो तब तक के मेरे दोस्तों, बुंदेली बेस्ट फन आप देख रहिएगा, लाइव चैनल आपके बीच में है। तो मेरे दोस्तों, आप ना चैनल खोलिए और हमारा नाम बुंदेली बेस्ट फन आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। और भैया देखिए, दो घंटा तो टन टन घंटा समझ गया ना आप, ट्राई कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों जरूर है, तो हम चलते हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे, सबके लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। मैं शहाबुद्दीन खान, ग्राम हिडुरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय एकता लोक कला मंच। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय जगत।